यूथ कांग्रेस के समय आपने कुछ ऐसा सोचा था जो आपने सीएम बन के इम्प्लीमेंट किया? देखिए ऐसा कि हम लोग तो कभी राजनीति में बेसिकली हम लोग किसान हैं, गांव में खेती करते थे, पढ़ लिख के गए, साइंस कॉलेज से निकले, खेती करने शुरू कर दिए। जो समय बचता था लोगों के हित में, गांव वालों के हित में, कभी किसी कार्यालय में कोई काम अटका है तो वहाँ चल देते थे, बात कर लेते थे। कभी खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था तो किसान आंदोलन कर लेते थे। फिर राजीव जी राजनीति में आगमन हुआ तो उसे प्रेरित हुए, हम लोग यूथ कांग्रेस में जुड़ गए और इस प्रकार से सफ़र शुरू हुआ। कोई सोच के नहीं आए थे हम कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये करेंगे। हम तो हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं था मेरे पहले, मैं पहला विधायक हूँ। तो ये ज़रूर सोचते थे कि जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के जो क्षेत्र के विधायक आते थे, लंबी लंबी भाषण देते थे, हम लोग ऊब जाते थे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लंबी भाषण ना हो ताकि पब्लिक न ऊबे। दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं, मैं सोचता था कि जो सुविधाएं शहर में हैं वो सुविधाएं गांव में क्यों नहीं हैं। सरकार तो वही है, हम लोग भी मतदाता हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, तो वो सुविधा हमको गांव में मिलना चाहिए, वो संपन्नता हमारे गांव होना चाहिए। ये ज़रूर सोचता था मैं। जब हम शहर में आते थे तो स्ट्रीट लाइट भी, सड़कें भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी, ये सब दिखते थे। गांव वो सब चीज़ों का अभाव होता था। तो ये बात मन में रहता था कि ये अंतर नहीं होना चाहिए, गांव में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो कोशिश हमारी ये है कि इन 4.5 सालों में कि गांव के लोगों को संपन्न बनाने का काम हमने किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले हो, संपन्नता तो गांव में आई है। तब यूथ कांग्रेस में तब भी दो गुट थे? देखो जिस नेता के साथ जुड़ गए तो उसके गुट का कहलाया कोई, भाई मेरे हर नेता से संबंध नहीं हो सकते। देश में आज मैं मुख्यमंत्री हूँ लेकिन क्या सभी देश के सभी नेताओं से मेरे संबंध अच्छे हैं या सभी से खराब हैं, ऐसे नहीं। मैं किसी नेता से जुड़ गया तो समझ ले फिर मैं उसके गुट का हो गया, ये है। लेकिन गुटबाजी एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे सरकार में तो है लोग, भाई कोई कार्यकर्ता किसी नेता से जुड़ गया, अब मान लो सुकमा कोंटा का आदमी कोई बलरामपुर के नेता से संपर्क में आएगा नहीं, वो उसी से होगा, प्रदेश स्तर के नेता उससे जुड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से था। मध्य प्रदेश में हम लोग थे तो दिग्विजय सिंह जी भी थे, माधवराव सिंधिया भी थे, अर्जुन सिंह जी थे, और हमारा कमलनाथ जी और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन हम लोगों के पास जो संपर्क, जिसके संपर्क में हम लोग आ गए, जिसके व्यक्तित्व हम लोगों को अच्छे लगते थे, हम उनके साथ जुड़ गए, तो वो समझ लीजिए फिर उसका गुट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता इससे? जब आप वो यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तब तो कोई बात नहीं, यदि प्रतिद्वंद्विता आ गई और कटुता आ जाए तब फिर वो नुकसानदायक है।